पहले ये समझो आप आत्मा हो या शरीर। तो आनंद में अभ्यासात, आनंद आत्मा से आता है या भौतिक शरीर से? ज्यादा पैसा, ज्यादा भाग दौड़, ज्यादा अशांति, और अशांत से कुतो सुखम। भगवद गीता में कहते हैं कि अशांत लोगों को सुख नहीं हो सकता। तो सुखी कौन? तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भुक्ति भोग करने वाले, ज्यादा खाना ज्यादा पीना ज्यादा पैसा ज्यादा दुकानें ज्यादा गोल्ड ज्यादा ज्यादा भुक्त भोगने वाले। सिद्धि लघिमा सिद्धि अमिमा सिद्धि अणिमा सिद्धि प्राप्ति सिद्धि सब सिद्धियां। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी काम करने वाले, सेक्स या इंद्रिय तृप्ति करने वाले काम कामी सकल अशांत। ये सब क्या है? अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव अशांत, और अशांतस्य कुतो सुखम। शांति जिसको है उनको सुख मिल सकता है, अशांत है उनको कैसे सुख मिलेगा? मिल सकता है, लगता है सुख, लेकिन सुख नहीं है। आध्यात्मिक आनंद आध्यात्मिक आत्मा में से ही आनंद पैदा होता है। तो आत्मा को दुख सुख नहीं होता, शरीर को दुख सुख होता। तो हमारी सोच समझ कॉन्शियसनेस चेतना हमें बदलनी होगी। शारीरिक शरीर, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, चेतना। सुदामा विप्र दुखी था, मीरा दुखी थी, पांडव दुखी थे, लगता है दुखी। और अगर दुखी होते हैं तो कुंती भगवान जाते हैं अपने द्वारिका, तो कुंती क्या मांगती है? दुख मांगती। क्यों मांगती है? कि दुख में आपके दर्शन होते हैं। विपद संतु तत् शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भविता अदर भविता दर्शन तस्यात् अपुनर्भव दर्शन। जब दुख होता है तो आपके दर्शन होते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आप भागते हो दौड़ते हुए आते हो, आपके दर्शन हो जाते हैं, तो फिर से ये भव के दर्शन करने नहीं पड़ते। इसलिए मुझे दुख ही मिलता रहे। अगर कुंती दुखी होती तो दुख मांगती, लगता है दुख, लेकिन फिर से वो दुख मांग रही। तो दुख की सुख की परिभाषा बदलो।